हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सील्ड आईएएस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पाम ऑयल ट्रीज इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड स्टेटमेंट, the palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. The palm oil can be used to produce biodiesel. यहाँ पर एक स्टेटमेंट को अगर फाइंड आउट करते हैं, जो स्टेटमेंट वन ये कहता है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। पाम ऑयल ट्री, आप एक रिवर का नाम सुना होगा, रिवर नाइजर। इस रिवर नाइजर को पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है, विच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। और स्टेटमेंट वन जो कह रहा है द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ये नेटिव टू अफ्रीका है, ऐसा नहीं कि ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये अफ्रीका से कहाँ लाया गया है, साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया है। सो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाता है। सो स्टेटमेंट वन को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारा हट जाएगा और ऑप्शन क्या बच जाएगा, बी। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना कुचामन सरगोल एंड खाटू आर द नेम ऑफ। जिक्र की जो दीदवाना कुचामन एंड सरगोल एंड खाटू जो है, ये किससे रिलेटेड है। देखो, डीडवाना और कुचामन ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो यहाँ पर ये जो प्लेस है, यहाँ पर सलाल लेक क्या है, अवेलेबल है। और खाटू तो आपको पता ही है, खाटू श्याम मंदिर है। सो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्राह्मणी नागावली सुवर्णरेखा वंशधारा। विच ऑफ द एबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। देखिए, सुवर्णरेखा विच राइज फ्रॉम रांची प्लेट्यू एंड ब्राह्मणी विच राइज फ्रॉम झारखंड। सो ये ब्राह्मणी एंड सुवर्णरेखा ये तो ईस्टर्न घाट से राइज नहीं होते। सो यहाँ पर वन को एलिमिनेट कर देंगे और थ्री को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी बच जाता है। नागावली और जो वंशधारा, बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। स्टेटमेंट वन कहता है रिवर और लेक्स में जो वाटर पाए जाते हैं वो ज़्यादा है किससे, ग्राउंड वाटर से, विच इज़ रॉन्ग। ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पाए जाएंगे रिवर और लेक्स के कंपेरिजन में। तो स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, और ये 11th क्लास NCERT में भी हम पढ़ते ही हैं। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। यस, 69% के आसपास जो वाटर है वो पोलर आइस कैप में ही पाए जाते हैं, जो कि अगर हम कंटिनेंट की बात करते हैं, ओशन की नहीं। सो इसके हिसाब से स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63,
मोरिंगा इज अ लेगुमिनियस एवरग्रीन ट्री. टमारिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया. टमारिंड जिसको इमली का पेड़ भी कहते हैं, तो ये एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया नहीं, ये एंडेमिक टू अफ्रीका है. एंड मोरिंगा इज नॉट एन एवरग्रीन ट्री, इट इज डेसीडियस ट्री. डेसीडियस ट्री वो ट्री होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. सो यहां पर अगर वन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है और एक ही ऑप्शन बचता है बी, दैट इज 3, 4 एंड 5. और 2 तो इनकरेक्ट क्यों है वो हमने देख लिया, ये एंडेमिक टू अफ्रीका है ना कि साउथ ईस्ट एशिया. सो इस तरह से ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. थैंक यू.